क्या किसी 18 वर्षीय लड़की को किडनैप किया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका एबडक्शन हो सकता है, किडनैपिंग नहीं। किडनैप और एबडक्शन, इन दोनों वर्ड्स का हिंदी में मतलब अपहरण करना है। किडनैपिंग और एबडक्शन भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के तहत अपराध हैं। यह बिना सहमति के किसी व्यक्ति या बच्चे को पेरेंट्स से जबरदस्ती दूर ले जाने की बात करता है। हालांकि दोनों अपराध कुछ पहलुओं में समान हैं, लेकिन वे कई अन्य पहलुओं में अलग हैं। आइए जानते हैं किडनैपिंग और एबडक्शन कैसे अलग हैं। किडनैपिंग, इस अपराध को IPC की धारा 359-361 के तहत परिभाषित किया गया है। यह केवल एक अवयस्क के संबंध में प्रतिबद्ध है, अर्थात 16 वर्ष के लड़के के मामले में और 18 वर्ष की लड़की के मामले में, या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मामले में। इसमें अपहृत व्यक्ति को कानूनी संरक्षता से हटा दिया जाता है। बिना अभिभावक के बच्चे का किडनैप नहीं किया जा सकता है। इसमें नाबालिग को बहला फुसला कर भी ले जाया जा सकता है। बच्चे को अगवा करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके निर्दोष हो सकते हैं। लुभाए गए व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। किडनैपिंग में किसी व्यक्ति का इरादा महत्वहीन है, यानी वह वैध उद्देश्य एवं अच्छे इरादे में उत्तरदायी होगा। यह एक सतत अपराध नहीं है। जैसे ही नाबालिग को उसके या उसके अभिभावक के संरक्षण से दूर कर दिया जाता है, वैसे ही अपराध पूरा हो जाता है। संरक्षता से अपहरण एक मूल अपराध है। यह IPC की धारा 363 के तहत दंडनीय है। एबडक्शन, यह अपराध IPC की धारा 362 के तहत परिभाषित किया गया है। यह किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति के संबंध में किया जा सकता है। इस अपराध में व्यक्ति की विशिष्ट आयु के होने से संबंधित कोई रोक नहीं है। अपहरण के अपराध को निर्धारित करने हेतु संरक्षता सारहीन है। यह विशेष रूप से अपहृत व्यक्ति के संदर्भ में है। अपहरण में नियोजित साधन बल, मजबूरी या छलपूर्ण तरीके हैं। व्यक्ति की सहमति मायने रखती है, यानी यदि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र सहमति से हटाया जाता है तो उस मामले में अपहरण का अपराध नहीं माना जाता है। अपराध निर्धारित करने के लिए इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक व्यक्ति केवल तभी उत्तरदायी होगा जब अधिनियम के पीछे गलत मंशा हो। यह एक सतत अपराध है। अपहरत व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण यह अपराध जारी रहेगा। यह एक सहायक कार्य है जो अपने आप में दंडनीय नहीं है, जब तक कि धारा 364-366 के तहत निर्दिष्ट इरादे के साथ ना हो। अतः किसी अभियुक्त को दंडित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन आवश्यक है।